आजाद हो गई कांग्रेस आज से। श्री राहुल गांधी जी अब अकेले चलो ना हो कोई साथ, अकेले वो चलेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है, विकास से युक्त भारत हो रहा है, तो यह कांग्रेस इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफा देने का मामला बेहद चर्चा में है। गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार यानी 26 अगस्त को 5 पेज का त्याग पत्र पार्टी को भेजा। इस त्याग पत्र में उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि आजाद और राहुल गांधी पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। आजाद पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के करीबी थे जिन्होंने उनकी सलाह सुनी। हालांकि जब राहुल गांधी ने सीधे फैसला लेना शुरू किया तो आजाद को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया। उनकी हाल ही में ये शिकायत थी कि आजाद से अगले कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने के लिए सलाह नहीं ली गई थी। आपको बता दें कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के इस फैसले पर यूपी में चर्चाएं जोरों पर हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए चुटकी ली, बोले आजाद हो गई कांग्रेस आज से। श्री राहुल गांधी जी अब अकेले चलो ना हो कोई साथ, अकेले वो चलेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है, विकास से युक्त भारत हो रहा है, तो यह कांग्रेस इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बाराबंकी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पीएल पूनिया ने बड़ा बयान दिया। उनका मानना है कि गुलाम नबी आजाद के जाने से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में नुकसान होगा। जो उन्होंने कारण बताया उससे सहमत हुई ना सहमत हुई, तो सहमत होने की कोई बात नहीं है, वो परिस्थितियां बन जाती हैं इस तरह की। अगर इन्हें पिछले जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उनमें कहीं से इनको नॉमिनेट करके और राज्यसभा में मेंबर निर्वाचित करा देते तो परिस्थितियाँ दूसरी बदलती है और मैं समझता हूँ कि वो अपने इस्तीफा में नहीं देते। खैर बहरहाल जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्य। राहुल गांधी इस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं, उनका एक नाम है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जाहिर है कि कुछ न कुछ तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चलाने वाली मंडली के निर्देश पर जम्मू में उनका नकली अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया और इस अनुशासनहीनता को करने वालों को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिवों और राहुल गांधी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में लाया गया। तो कुल मिलाजुलाकर गुलाम नबी आजाद ने अपना सारा गुस्सा इस चिट्ठी में उतार दिया था, जिसको लेकर यूपी में भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कानपुर से रंजय सिंह, बाराबंकी से रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, यूपी तक।